गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन शॉपिंग। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो है स्टेक वर्टिकल लिक्विड लाइनर। ये बिगनर के लिए बहुत ही अच्छा वाला प्रोडक्ट है। अगर आप भी मेरी तरफ मेकअप करने में बिगनर हो और लिक्विड लाइनर लगाते वक्त आपके हैंड शेक करते हैं तो एक बार आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। मैं कभी भी लिक्विड लाइनर यूज नहीं करती थी, ये मैंने फर्स्ट टाइम कोई लिक्विड लाइनर परचेज किया है। मैं हमेशा पेन लाइनर यूज करती थी या काजल को ही एज ए लाइनर यूज करती थी क्योंकि ये लाइनर लगाते वक्त मेरे हैंड बहुत ही शेक करते थे। तो पेन या काजल से लाइनर लगाते वक्त उतने आपके हैंड नहीं शेक करते, पर अगर आप कोई लिक्विड लाइनर यूज करते हो और अगर आप बिगनर हो तो आपके हैंड बहुत शेक करते हैं। तो बिगनर के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप मेरी तरफ बिगनर हो और आपको कोई लिक्विड लाइनर लगाने को बोल दो ऊपर से विंग ड्रॉ करने को, तब तो बैंड ही बच जाती है आपकी। तो मैं हमेशा इसलिए पेन लाइनर या काजल का ही यूज करती थी, पर आज मैंने विंग ड्रॉ किए। बहुत अच्छी तो नहीं की क्योंकि मैं भी बिगनर हूँ, तो आप देख सकते हो आज मैंने विंग ड्रॉ किए और लाइनर भी लगाया है, वो भी इस लिक्विड लाइनर का यूज करके। तो मुझे आज उतनी डिफिकल्टी नहीं हुई, मेरे हैंड शेक नहीं किए क्योंकि ये काफी इसका एप्लीकेटर है वो काफी कम्फर्टेबल है बिगनर के लिए। तो एक बार आप इसे जरूर यूज करते हो। चलो अब मैं आपको इसका छोटा सा डेमो, इसका रिव्यू दिखाती हूँ फटाफट। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। मैंने इसे purple.com से मंगवाया था। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको पसंद आए तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। सो यू कैन सी यहाँ पे इसकी प्राइस 275 लिखी है, पर मैंने इसे purple.com से मंगाया था, उस समय ही मुझे ये ऑफर में 206 में मिली। आप इसकी देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग डे 18 है एंड एक्सपायरी डेट ईयर 21 है, यानी इसकी सेल्फ लाइन 3 इयर्स है। एंड नेट क्वांटिटी आप इसकी देख सकते हो 6.5 ml है। यहाँ पे आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो क्या क्या है। इसमें कोई भी पैराबेन या केमिकल नहीं है, तो ये आपके आईज पे कोई भी इन्फेक्शन या रैसेस या कोई जलन नहीं होगी इस टाइप की। इधर इन्होंने अपनी कहानी लिखी हुई है। तो ये तो हो गई इसकी आउटर पैकेजिंग की बात, अब मैं आपको इसका इनर पैकेजिंग दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये कितने क्लासी पैकेजिंग में आता है। ये ब्लैक ग्रे कलर का जो कम्बिनेशन है बहुत ही प्रिटी लग रहा है, इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ही सही लगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिगनर के लिए बहुत ही अच्छा वाला आईलाइनर ये क्यों है। आप इसका एप्लीकेटर देख सकते हो, ये बॉल ज्वाइंट के साथ आता है, तो इसको आप चारों डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो, तो इससे काफी कंफर्टेबल और इजीली हो जाता है आपको लाइनर लगाते वक्त। और इसकी पैकेजिंग भी मुझे बहुत ही पसंद है। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो यू कैन सी इसकी जो लिड है, ब्रश है, वो कितनी शार्प है। तो आपको कितना भी पतला विंग ड्रॉ करना उसके लिए बहुत ही इजी है, और इससे आप मोटिव भी विंग ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ कि इसका पिगमेंटेशन कैसा है और ये स्मज प्रूफ वाटर रेजिस्टेंस है या नहीं। सो मैं अभी आपको अपने हैंड पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सो यू कैन सी वन ही स्वैप में इसने कितना अच्छा और डिजायर कलर दिया, वन ही स्ट्रोक में कितना अच्छा पिगमेंटेशन है। अब इससे मैं कुछ सेकंड के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं चेक करूंगी कि ये स्मज प्रूफ है या नहीं। 20 सेकंड हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं कि ये स्मज प्रूफ है या नहीं। सो यू कैन सी ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा है। मैं फोर्सफुली भी अपने हैंड पे रब कर रही हूँ पर ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा है। अब देख सकते हो ये अपने जगह पे फिक्स है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वाटर अपने हैंड पे गिराती हूँ। सो यू कैन सी वाटर गिराने पे ये बिल्कुल भी ब्लीड नहीं हुआ। कुछ कुछ लाइनर होते हैं कि पानी गिराते हुए वो फैल जाते हैं, पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये अपनी जगह पे एकदम फिक्स है, तो ये ब्लीड भी नहीं होगा, यानी कुछ नहीं किया। तो अगर आप बारिश में भीग भी जाते हो तो ये लाइनर अपनी जगह फिक्स रहेगा, बिल्कुल भी स्मच नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि वाटर रेजिस्टेंस है या नहीं। तो अभी मैं बहुत ही नॉर्मल हैंड से इसको रब कर रहा हूं। सो यू कैन सी ये वाटर रेजिस्टेंस तो नहीं है। अब अगर बहुत ही हल्के हाथों से करोगे तो ये स्मच नहीं होगा, पर अगर आप फोर्सफुली अपने हैंड पे रब करते हो तो ये पूरा स्मच हो गया। तो ये वाटर रेजिस्टेंस तो नहीं है, रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर आप वाटर रेजिस्टेंस वाला कोई आईलाइनर चाहते हो तो इस आईलाइनर को मत परचेज करना।
पर अगर आप बिगनर हो और कोई अच्छा सा आईलाइनर यूज करना चाहते हो जो काफी देर तक टिका भी रहे, तो आप इस आईलाइनर का यूज कर सकते हो। आईलाइनर लगाने में एक्सपर्ट हो तो ये तो आपके लिए उतना अच्छा आईलाइनर नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि ये वाटर रेजिस्टेंस तो नहीं है। पर अगर आप बिगनर हो मेरी तरह, तो ये आपके लिए बहुत ही सही वाला प्रोडक्ट है। एक बार जब आपके हैंड आईलाइनर लगाने में बैठ जाएंगे तो उसके बाद आप कोई भी लाइनर यूज कर सकते हो, पर स्टार्टिंग में आप इस लाइनर को जरूर यूज करना। इससे आपके हैंड बिल्कुल भी नहीं शेक करते, क्योंकि इसका एप्लीकेटर है वो बॉल ज्वाइंट के साथ है और बहुत ही कंफर्टेबल होता है आपको लगाने में। तो इस बिगनर है तो इस आईलाइनर को जरूर यूज करना, और एक बार अगर आपके हैंड सेट हो गए लाइनर लगाने में, उसके बाद तो आप कोई भी लाइनर लगा सकते हो। एंड हाँ गाइज, अगर आप मेरी तरफ बिगनर हो और आपको लिक्विड लाइनर लगाना है, तो आप अपने इस नीच को किसी चीज पे फिक्स कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे फिक्स किया। उसके बाद आप ऐसे लगाओगे तो आपके हैंड कम शेक करेगा, और अगर आपके नीच ऐसे हवा में हो और आप तब ऐसे लाइनर लगाओगे कि तो आपके हैंड ज्यादा शेक करते हैं। पर अगर आप अपने नीच को एक जगह फिक्स करके फिर लगाओगे तो ये आपके लिए काफी ईजी होता है। अब मैं आपको इस आई लाइनर को लगा के दिखाती हूँ। फ्रेंड, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और लगी हो तो इस वीडियो को करना लाइक, दूसरों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकन, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देख सको। चलो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।